हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हम करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एज यू ऑल नो कि हमने एडजेक्टिव टॉपिक किया था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, स्पेशल है, ठीक है, उन्हें स्पेसिफिकली मॉडिफाई करते हैं। तो आज हम करेंगे कि एडजेक्टिव्स में डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं, यानी कि हम उनको कितनी तरह से कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली डिग्री ऑफ कंपैरिजन तीन तरह की होती है, कौन कौन से? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। देखिए, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और वन बाय वन हम इनके बारे में जानेंगे कि क्या मतलब होता है इनका, ठीक है। तीन तरह से हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ सिंगल थिंग और पर्सन। पॉजिटिव डिग्री में हम किसी भी एक इंसान को या किसी भी एक चीज़ को, किसी भी एक एनिमल को या चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में कुछ भी हम बोल सकते हैं, उसकी क्वालिटी, उसकी वो कैसा दिखने में है, वो क्या है, कैसा है, इस तरह के। जैसे कि रूडी इज़ अ टॉल बॉय, रूडी एक लंबा लड़का है नॉर्मली, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जिसमें हम किसी पर्सन के या किसी भी चीज़ के बारे में नॉर्मली कोई बात बोल रहे हैं। जैसे कि और भी एग्जांपल, दिस हाउस इज़ बिग, ये हाउस बड़ा है, ही इज़ अ टॉल स्टूडेंट, वो लंबा लड़का है या स्टूडेंट है, दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ये फ्लावर बहुत खूबसूरत है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वो बहुत ही समझदार लड़का है, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव डिग्री, जिसमें हम पॉजिटिवली किसी के बारे में कोई बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव डिग्री। वी यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन और टू थिंग्स विद ईच अदर। कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, सिर्फ दो चीज़ों को। वो दो लोग भी हो सकते हैं, वो दो को एनिमल भी हो सकते हैं, वो दो कोई अलग चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो कंपैरेटिव में हम दो चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, जैसे कि याओ मिंग इज़ टॉलर देन लेब्रन जेम्स, कि याओ मिंग जो है वो लेब्रन जेम्स से ज़्यादा टॉलर, यानी कि लंबा है। तो देखिए, वैसे तो लंबा लंबा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टॉल, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, टॉलर। तो जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम उसके आगे ई आर जोड़ देते हैं, ठीक है, ई और आर। तो देखिए, टॉल का बन गया टॉलर, ऐसे ही दिस हाउस इज़ बिगर देन दैट वन, कि ये घर उस घर से बड़ा है, ठीक है। शी इज़ नाइसर देन हिम, ये उससे ज़्यादा नाइस, यानी कि अच्छी है, ठीक है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, हम दो चीज़ों को या दो लोगों को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, सिर्फ दो लोगों को। देखिए, जैसे दैट द रेड पेंसिल इज शॉर्टर देन येलो पेंसिल, कि जो रेड पेंसिल है वो येलो पेंसिल से छोटी है। दो पेंसिल को कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो शॉर्टर यूज़ किया हमने, शॉर्ट होता है, उसके आगे ईयर लगा दिया। ऐसे ही अ डॉग इज़ बिगर देन अ स्नेल, कि जो डॉग होता है वो स्नेल से ज़्यादा बड़ा होता है। बिग की जगह हमने क्या यूज़ किया, बिगर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स विद ईच अदर। सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव में तो हम सिर्फ दो चीज़ों को या दो लोगों को कंपेयर कर रहे थे, सुपरलेटिव में हम दो से ज़्यादा चीज़ों को या फिर दो से ज़्यादा लोगों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा। वो पूरी दुनिया में भी हो सकते हैं, वो हमारे गली के में भी हो सकता है कोई चीज़। मींस क्या है कि हम दो से ज़्यादा चीज़ों को या लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। अब देखिए, हम ना यहाँ पे दो से ज़्यादा लड़कों को कंपेयर कर रहे हैं, तीन लड़के हैं यहाँ पे, रूडी, रॉनी और रॉबी। हम क्या दो से ज़्यादा लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने क्या लास्ट में हमने क्या निकाला कि रॉबी इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज़, कि रॉबी जो है इन तीनों लड़कों में सबसे लंबा है, ठीक है। तो इसीलिए जब सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें हम दो से ज़्यादा चीज़ों को या लोगों को कंपेयर करते हैं, और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, जो हमारा नॉर्मल वर्ड है, जैसे कि नॉर्मल वर्ड क्या होता है, टॉल। तो हमने टॉल के साथ में क्या लगाया, ई एस टी, टॉलेस्ट, और साथ में द यूज़ किया, द टॉलेस्ट, ठीक है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, द, और जो रियल वर्ड है उसके साथ ई एस टी, तो द टॉलेस्ट, कि रॉबी जो है वो सबसे लंबा लड़का है इन तीनों में। और भी एग्जांपल, जैसे द एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल लैंड एनिमल्स, कि ज़मीन पे चलने वाले एनिमल्स में एलिफेंट सबसे बड़ा जानवर होता है। तो हमने जंगल के सारे सभी जानवरों को कंपेयर किया, ठीक है।
और लास्ट में क्या निकला कि सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है, एलिफेंट. द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, कि जिराफ जो है सब एनिमल्स में सबसे लंबा होता है. हमने पूरे जंगल के एनिमल को कंपेयर किया कि सबसे लंबा कौन सा है, तो जिराफ निकला. ठीक है, तो जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वो कंपेरेटिव है, उसके साथ हम देन लगाते हैं और ईयर लगाते हैं. और जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव. उसके साथ हम द और ई एस टी लगा देते हैं, दस द लार्जेस्ट हो गया, द टॉलेस्ट हो गया. ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, फिर से एक बार देखते हैं कि पॉजिटिव में हम नॉर्मली किसी के बारे में कुछ कहते हैं, कंपैरेटिव में हम दो चीज़ों या दो लोगों के बीच कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव में हम दो से ज़्यादा लोगों या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा एडजेक्टिव्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन. तो आई होप कि इस वीडियो को देख के आप लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा.